गुड मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन सीरीज ये होने वाली है। जितनी भी केमिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन होगी वो आपके साथ बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। और ये ट्वेल्थ वालों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन बन जाती है। चाहे वो जेके बोस का एग्ज़ाम दे रहे हो सर, या तो आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, मणिपुर शिफ्ट में ये रिएक्शन जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द एल्डोल कंडेंसेशन सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सर हमें एल्डोल कंडेंसेशन आज पढ़नी है। जी हां सर, हमें एल्डोल कंडेंसेशन आज पढ़नी है। लेकिन सर मैं एल्डोल कंडेंसेशन आपको डायरेक्ट नहीं ले जाऊंगा सर, हमें यह बताने की कोशिश में आज करूंगा सर, एल्डोल कंडेंसेशन का नाम सर एल्डोल क्यों रखा गया। सर एल्डोल, चलो मान लिया सर एल्डोल आ गया, सर ये कंडेंसेशन कैसे आ गया, सर इस रिएक्शन का नाम एल्डोल कंडेंसेशन क्यों पड़ा। सर दूसरी बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा सर, कौन सा रिएजेंट यहां पर इस्तेमाल होगा तो आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन मिलेगी। सर रिएजेंट के बारे में भी हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, चाहे नीट हो, चाहे जेके बोस हो, चाहे सीबीएसई हो, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन हम आज शुरू करने जा रहे हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन देखिए ना सर, एल्डोल कंडेंसेशन क्या बोलती है सर, ये एल्डिहाइड एंड कीटोन की एक केमिकल रिएक्शन है सर, एल्डिहाइड एंड कीटोन की एक केमिकल रिएक्शन है सर। ऐसे एल्डोल कंडेंसेशन, ऐसे एल्डिहाइड और ऐसे कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन दिखाते हैं सर, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। सर एक पेन लीजिए, एक कॉपी लीजिए, मेरे साथ नोट कीजिए, मैं बहुत सारी एग्जांपल्स की कराने वाला हूं सर। एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में हम पढ़ना शुरू चालू कर देंगे सर। एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड एंड कीटोन की एक केमिकल रिएक्शन है सर। किसकी? एल्डिहाइड एंड कीटोन की एक केमिकल रिएक्शन है सर। कौन से वाले एल्डिहाइड, कौन से वाले कीटोन आपको एल्डोल कंडेंसेशन करा कर देंगे सर? ऐसे एल्डिहाइड और ऐसे कीटोन आपको एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है सर। क्या होता है सर? अल्फा हाइड्रोजन होता है सर। हमें नहीं मालूम सर, हमें नहीं मालूम ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है सर, थोड़ा सा तो बताइए ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है सर। बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहे, 70 out of 70 दिलाकर रहेंगे सर इस केमिस्ट्री में सर। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? सपोज करिए मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप है सर, मेरे पास एक ग्रुप है दैट वी कॉल्ड एज ए कार्बोनाइल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। बहुत बेहतरीन अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं सर, अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं सर। ये फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ सर, फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली जो अटैच्ड कार्बन होता है सर, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है सर, इस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। और सर इस कार्बन के साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन होते हैं सर, इन हाइड्रोजन को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो याद रखना सर, एल्डोल कंडेंसेशन ऐसे एल्डिहाइड और ऐसे कीटोन शो करते हैं सर जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं। पहला पॉइंट नोट करना सर, एल्डोल कंडेंसेशन कौन दिखाते हैं, कौन से एल्डिहाइड और कौन से कीटोन दिखाते हैं सर? ऐसे एल्डिहाइड और ऐसे कीटोन दिखाते हैं जिनके पास सर अल्फा हाइड्रोजन होता है सर। दूसरी बात, आपके जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं सर, आपके पास जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। बार बार सुनना सर, वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। लेकिन वो तब एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे जब इनके पास में अल्फा हाइड्रोजन होगा। दोबारा सुनना सर, जब इनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी एक एल्डिहाइड और तभी एक कीटोन क्या शो करेगा? एसिडिक बिहेवियर शो करेगा।
सर मैंने आपसे कहा कि मेरी जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं ना सर, वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं सर, लेकिन ये एसिडिक बिहेवियर तब ही शो करेंगे ना सर जब इनके पास में अल्फा हाइड्रोजन होता है। सर मैंने पीछे रिमाइंड कीजिए सर, मैंने बोला एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं सर, ये एसिडिक बिहेवियर शो करने का मतलब क्या है सर? एसिडिक बिहेवियर शो करने का मतलब है सर, ये प्रोटॉन रिलीज करते हैं सर, ये एच पॉजिटिव आयन को रिलीज करेंगे। लेकिन और सवाल उठता है सर कि एक एल्डिहाइड और कीटोन एच पॉजिटिव क्यों रिलीज करेगा और कब करेगा? मैंने बोला जब उसके साथ में अल्फा हाइड्रोजन लगेगा तभी वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। लेकिन सर सवाल आपका होना चाहिए, ये इस अल्फा हाइड्रोजन लगने के बाद मेरे पास जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं ना सर, ये क्यों एच पॉजिटिव रिलीज करते हैं? तो चलिए इस बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूं बड़े ही इत्मीनान तरीके से। मेरे पास में एक कंपाउंड है सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहां पर सी एच एच एच, इसको बोलते हैं ना सर एसिड क्लोराइड। सर इसको एसिड क्लोराइड बोलते हैं। सर कैसे एक एच पॉजिटिव अल्फा हाइड्रोजन होने के बाद एक एल्डिहाइड या कीटोन जो होता है वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है? चलिए समझने की बात करते हैं। सर ये मेरे पास फंक्शनल ग्रुप एक्ट कर रहा है। सर कोई भी बोलेगा सर अभी तो आपने बोला ये फंक्शनल ग्रुप एक्ट करेगा। सर ये फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन है ना सर, ये कार्बन है ना सर, इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। सर ये भी आपने बोला सर इस अल्फा कार्बन के साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन है सर, इनको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो सर इन अल्फा हाइड्रोजन के लगने के बाद मेरे पास जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो क्यों एसिडिक बिहेवियर सर शो करते हैं? कैसे वो क्यों वो एच पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं? सर यहां देखिए ना सर, सर ये पाई बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के, जो कार्बन आयल ग्रुप है ना सर, यहां पर पाई बॉन्ड लगा है। दिस ऑक्सीजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन दिस कार्बन। ये पाई बॉन्ड को तोड़ेगा और पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेगा, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर सर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। सर ये पार्शियल और पार्शियल नेगेटिव क्यों आया? सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आया। सर यहां देखो दूसरा तरीका, यहां देखो ये कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है। सर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना सर, जहां कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है वहां पर उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। सर यहां देखो इस कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड बनाए हैं सर, इस कार्बन की यहां हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। और साफ साफ 11th क्लास GOC में हमने पढ़ा है कि sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है sp2 हाइब्रिड कार्बन के साथ, यानी sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर ज्यादा होती है इस कार्बन से जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है सर, ये बात भी हम जानते हैं। सर यहां पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से यहां इस कार्बन और इस कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा। ये कार्बन स्लाइटली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इस कार्बन को पर डोरे डालेगा, यानी इस कार्बन को एक टेंशन क्रिएट करेगा सर। ये स्लाइटली हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इस कार्बन पर एक टेंशन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से ये अल्फा कार्बन इन तीन हाइड्रोजन को बोलेगा सर कोई मुझे बचा लो, सर मुझे बचा लो, कोई एक हाइड्रोजन ये वाला कार्बन निकाल देगा एच पॉजिटिव की फॉर्म में और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा इस कार्बन पर, ताकि इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सर स्टेबल हो जाए। तो किया क्या सर एच पॉजिटिव एल्डिहाइड और कीटोन ने? किया ना रिलीज सर, ये देखो ना ये वाला एच पॉजिटिव सर रिलीज हो गया। तो यही तो मैंने बोला था सर, ये हुआ कैसे एक एच पॉजिटिव आयन एल्डिहाइड और कीटोन रिलीज कर देते हैं एक जब इन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड होता है सर। तो चलिए सर हम आगे अब केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। हमने अल्फा हाइड्रोजन सीखा, हमने ये भी सीखा कि कैसे एक एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं जब उनके साथ अल्फा हाइड्रोजन अटैच होता है सर।
सर अब हम एल्डोल कंडेंसेशन की ओर भागेंगे। सर क्या है इस एल्डोल कंडेंसेशन, क्या कहती है सर इसका मैकेनिज्म, पॉइंट बाय पॉइंट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपका इसका मैकेनिज्म हम आपको पढ़ाएंगे। सर अभी तक ये पता चल चुका है सर एल्डोल कंडेंसेशन ऐसे एल्डिहाइड और ऐसे कीटोन दिखाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होगा। सर दूसरी बात, हमें ऐसे एल्डिहाइड और ऐसे कीटोन लेने हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। सर हम ऐसा सबस्ट्रेट यहां यूज करेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो सर मैं एक सबस्ट्रेट ले रहा हूं यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पर मैं H लगा रहा हूं। मैंने अभी बोला सर ये एसिड क्लोराइड है, इसका नाम है सर एसिड एल्डिहाइड, इसका नाम है सर एसिड एल्डिहाइड। सर आप मुझे ये बताइए ना सर इस CH3 को मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं CH2NH, ऐसे लिख सकता हूं? जी हां सर लिख सकता हूं। सर जब आप ऐसा सबस्ट्रेट लोगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, सर जार जार यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, ये वाले फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है, इसको कहेंगे अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के साथ जो तीन तीन हाइड्रोजन लगे हैं दीज थ्री हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज द अल्फा हाइड्रोजन। सर किसी को भी एक हाइड्रोजन को निकालो। सर सबस्ट्रेट तो हमें यही चाहिए था ना सर। सर जब आप ऐसा सबस्ट्रेट लोगे तो आपको ये रिएक्शन एक डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में करनी है। आप जरूर नीट JEE में देखोगे ऐसा रिएजेंट दिया होगा और यहां पर लिखा होगा एरो में डाइल्यूट NaOH। सर ये डाइल्यूट NaOH का क्या मान है? सर ये जो NaOH है ना सर ये एक बेस है, सर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका साफ साफ मतलब है कि ये रिएक्शन सर बेसिक मीडियम में होती है। जरूर याद रखना सर ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है, और डाइल्यूट कहने का मतलब है सर पानी ही पानी है, यहां पर पानी भी मौजूद है। सर NaOH का काम बताइए ना सर, NaOH बेस का काम होता है सर OH नेगेटिव आयन देना, और ये OH नेगेटिव यहां पर एज अ बेस काम करेगा। और यहां से आप देख रहे हो दिस इज मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, क्यों? क्योंकि यहां पर इसकी वजह से ये एसिडिक हाइड्रोजन बन जाता है, अभी पीछे पीछे मैं डिस्कस करके आ रहा हूं सर। तो सर ये CH2 इस H को H पॉजिटिव की फॉर्म में यहां से निकालेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहां इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे। सर ये H पॉजिटिव है सर, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। सर यहां OH नेगेटिव एज एक्ट कर रहा है बेस, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये यहां पर अब डोरे डालने की कोशिश करेगा, अब यहां पर चिट्ठियां लिखेगा OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव को कि चल मेरे पास आ जा, हम पानी ही पानी कर देंगे। यहां से OH नेगेटिव निकलेगा, ये H पॉजिटिव यहां से मिलकर रिलीज कर देगा H2O। सर H2O बन गया, जी हां सर H2O बन गया, लेकिन सर इसके बाद क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये वाला CH2 ऐसे ही रहेगा, ये वाला C डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ये वाला H यहीं से ऐसे ही रहेगा, और इस कार्बन ने इस दो इलेक्ट्रॉन को, अपने वाले इलेक्ट्रॉन को भी, हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपने ऊपर लाया है, और इस वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज डिवॉल्व होगा इस कार्बन CH2 के ऊपर। सर अब इस चीज को देखिए ना सर, ये आपके पास बना पहले स्टेप में, सर यहां पर नेगेटिव चार्ज है, सर इसका मतलब ये कार्बेनोइन की एक स्पीशीज यहां पर डिवॉल्व हुई। सर सर यहां पर नेगेटिव चार्ज है, सर यहां पर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, सर ये एक्ट कर रहा है सर मेरा एज अ न्यूक्लियोफाइल, सर यहां पर मेरी ये स्पीशीज एक्ट कर रही है जिसको मैं बोल रहा हूं कार्बोएनाइन, ये सर इस नेगेटिव चार्ज इस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से मेरे पास एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रही है। सर सर ये देख रहे हो, सर ये देख रहे हो CH2 पर नेगेटिव चार्ज,
सर न्यूक्लियोफाइल को किसकी जरूरत, सर एक नेगेटिव चार्ज को किसकी जरूरत, एक पॉजिटिव सेंटर की सर जरूरत है, इसको अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर चाहिए, सर इस CH2 नेगेटिव को एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर चाहिए, सर ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इसको दूसरी यूनिट जो एसिड क्लोरा एसिड एल्डिहाइड हमने लिया था, इस एसिड एल्डिहाइड की दूसरी यूनिट यहां पर पिक्चर में आएगी, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ और एच यहां पर लगा हुआ होगा। सर यहां कहां पर है पॉजिटिव सेंटर, इसको तो पॉजिटिव सेंटर की जरूरत है। सर यहां देखो ना, कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम है, ये पाई बॉन्ड को तोड़कर यहां पर अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेने चाहेगा, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा जो और इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। सर आप तो बनाना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यही तो चाहिए था, इस कार्बेनाइन को एक ऐसा सेंटर चाहिए था जहां पर पॉजिटिव चार्ज हो। सर ये देख रहे हो ना, तो ये वाला CH2 क्या करेगा, ये जो एक्ट कर रहा था न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इस कार्बोनाइल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन देगा, इस कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करेगा। सर अब जब इस कार्बनाइन वाली स्पीशीज ने जो एक्ट कर रही थी न्यूक्लियोफाइल, इसके CH2 नेगेटिव ने इस कार्बन कार्बोनाइल कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए इस CH2 नेगेटिव ने यहां अटैक किया, तो ये सारा का सारा जो स्पीशीज है, ये सारा का सारा जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच्ड हो गया। नजर देना क्या इस CH3 पर कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, ये CH3 तो CH3 ही रह जाएगा, यहां पर सिंगल बॉन्ड है, यहां पर ये वाला कार्बन आएगा और इस कार्बन के साथ ये H जुड़ा है और इस कार्बन के साथ ये वाली स्पीशीज जुड़ जाएगी CH2, इस CH2 के साथ यहां पर CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला CH जो है इसके साथ यहां पर ऑक्सीजन भी जुड़ा है और इस ऑक्सीजन पर आएगा अब नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड के साथ। क्यों, ये डबल बॉन्ड तो टूट गया, क्यों टूटा सर, तभी तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनेगा जब ये ऑक्सीजन इस पाई बॉन्ड को ऊपर तोड़ेगा, तो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा यहां पर, जिसकी वजह से कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। सर 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 अब क्या होगा, सर अब जो मैंने डाइल्यूट मीडियम बोला था, सर मैंने बोला था पानी यहां पर, ये पानी क्यों आएगा, सर यहां लगता है पता कि मैंने बेसिक मीडियम क्यों रखा था, ये यहां पर एक्ट कर रहा है, अब H2O एक्ट करेगा, यहां पर H2O जो है ये टूट जाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, इस O नेगेटिव को आसानी से H मिल जाएगा, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन को ढूंढने चला जाएगा, ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन पर चिट्ठियां लिखेगा कि आ जाओ हम OH ग्रुप बना देंगे, जिसकी वजह से यहां पर CH3 का CH3 रह जाएगा, ये वाला सिंगल बॉन्ड CH यहां वाला ऑक्सीजन के साथ अब हाइड्रोजन जुड़ गया, ये CH2 का CH2 ऐसे ही और यहां पर CHO ऐसे ही, ये वाली स्पीशीज आपके पास बन गई। सर एल्डोल कंडेंसेशन को एल्डोल क्यों नाम पड़ा, सर आप देख रहे हो CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड, यहां प्रीफिक्स सुफिक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सर यहां पर बेसिक तरीके से मैं कह रहा हूं कि एल्डोल कंडेंसेशन सर नाम क्यों पड़ा, यहां पर CHO एल्डिहाइड के जब हम एल्डिहाइड पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि एल्डिहाइड में हम एल्ड लगाते हैं और यहां OH ग्रुप यानी एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लगा है और एल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप में हम O लगाते हैं, दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एल्डोल, यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप भी था, यहां पर OH ग्रुप भी था, और अब होगी सर एल्डोल के बनने के बाद होगी सर कंडेंसेशन। सर अब क्या होगा, सर मेरे पास जो ये एल्डोल बना, अगर इस एल्डोल को सर यही यूनिट मैंने यहां लिखा है सर, अगर इस एल्डोल को थोड़ा सा भी आप हीट करोगे, थोड़ा सा भी हीट करोगे तो मुझे बताइए ना सर, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है CHO इज अ फंक्शनल ग्रुप, जी हां सर अभी तक तो आप बता रहे थे फंक्शनल ग्रुप, CHO इज अ फंक्शनल ग्रुप, इस फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन जो होता है दैट वी कॉल्ड एज अल्फा कार्बन,
कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच दूसरा कार्बन होता है इस कार्बन को कहते हैं बीटा कार्बन। मैं रिपीट कर रहा हूं सर, ये मेरे पास फंक्शनल ग्रुप था ना, इस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होता है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड एज द बीटा कार्बन। अब हीटिंग से क्या होगा, क्या मैं इस CH2 को CH यहां से H लिख सकता हूं? जी हां सर, लिख सकते हो, ऐसे भी तो ये CH2 ही बन जाता है। तो हीटिंग करने से होगा क्या कि यहां से ये वाला OH और ये वाला H जो है वो बाहर निकलेगा, यानी यहां पर पानी दो जगह यहां पर हाइड्रोलिसिस होती है, दो जगह यहां पर पानी निकलता है, पहले स्टेप और लास्ट स्टेप में यहां पर पानी निकलता है। जहां से OH यहां से H जब निकल गया तो मेरे पास बचा CH3, यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिवॉल्व होने की वजह से यहां पर इस कार्बन और इस CH के बीच में डबल बॉन्ड बना और CHO ऐसे का ऐसे ही बना, और इस कंपाउंड को कहते हैं इनल। इसलिए क्योंकि N इसलिए क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड है, L इसलिए क्योंकि यहां पर एल्डिहाइड है, और ये इनल यहां आपका सर कंप्लीट होता है एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म। अब बाकी जो सारे क्वेश्चन जो होंगे जो नीट JEE में आएंगे वो दूसरे पार्ट में, एल्डोल कंडेंसेशन के जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं, जितने भी आने के इम्कान हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट में। बने रहे हमारे साथ।